अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी हैरियत से हैं। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करनी है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, और उसके लिए जो हमें चाहिए, सबसे पहले चिकन मैंने हाफ के जी ले लिया और इसको जो है ना चंक्स में मैंने मोटे मोटे चंक्स में काट लिए, क्योंकि पिज़्ज़ा पे जो है चिकन की जब टॉपिंग होती है तो वो चंक्स में ही होती है, तो बिल्कुल जो है मैं चाहती हूँ कि ऑथेंटिक सी लुक आए और ऑथेंटिक सा इसका टेस्ट आए। तो उसके लिए जो है अब मैंने एक कढ़ाई में जो है वो चिकन के चंक्स ऐड कर लिए और इसमें स्पाइसेस जो हमारे जाएंगे, सबसे पहले तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है, और चिकन का जब थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा उसमें 1 टेबल स्पून जो है मैंने टिक्का मसाला ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। साथ ही इसमें मैं जो है 1 टीस्पून जो है गरम मसाला ऐड करूँगी। दैट्स इट, ये हमारा जो है टिक्का मसाला रेडी हो गया। बस हमने इसको ऐसे ही कुक करना है। वैसे तो मैं ये होममेड स्पाइसेस वगैरह यूज़ करती हूँ अपने खानों में, लेकिन ये है कि आपके लिए कि ये इजी सवे हो और इजीली आप इसको बना सके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रेसिपी मैं बनाऊँगी उसमें मैं आपको टिक्का मसाला भी बनाना जो है वो होममेड वे से जो है ना बनाना सिखाऊंगी। और साथ ही ये हमारा चिकन हो गया था रेडी, और साथ ही अब हम स्टार्ट करने लगे हैं टमाटो सॉस। तो उसके लिए मैंने एक लिए लिया है पैन, और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो बटर घी ऐड किया है और 1 टेबलस्पून जो है चॉप किया हुआ गार्लिक, और इसको जो है मीडियम फ्लेम पे जो है मैंने भून लेना है और इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस के लहसुन की जो है वो रस स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, वो पेस्ट ऐड कर लिए, और इसको अच्छी तरह से मैं जो है मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। साथ ही 3 टेबलस्पून मैंने जो है वो टमाटो केचप जो होती है वो मैंने इसमें ऐड की है। आप चिली सॉस, रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, टमाटो गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून जो है रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है, और 1/2 टीस्पून जो है इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है, और 2 टीस्पून जो है इसमें मैंने शुगर ऐड कर दिया है। शुगर से ये होगा कि हमारी पेस्ट मीठी बिल्कुल नहीं होगी, ये है कि जो टमाटर की खटास होती है उसको बैलेंस करने के लिए ये बेस्ट है। हमारी जो सॉस है ऑलरेडी कुक हो गई है, और इसमें जो है मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो सफ़ेद तिल ऐड कर लिए थे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। और जो पिज़्ज़ा की डो है ये मैंने ऑलरेडी पहले की बनाई हुई है, इसकी रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी। और पिज़्ज़ा डो को जो है मैं जो रेड चिली सॉस है इससे पहले मैं अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड कर लूँगी, और साथ ही इस पर जो है प्याज, ऑलिव और शिमला मिर्च, टमाटर और ये सारी जो है वेजिटेबल इस पर स्प्रेड कर लूँगी। साथ ही इस पर मैंने जो है ऐड करना है ये जो हमने चिकन टिक्का बनाया था, चिकन टिक्का को हम इस पर स्प्रेड कर देंगे, और इस पर साथ ही मैंने थोड़ी सी इस पर चेडर चीज़ ऐड की थी, और साथ ही मोज़रेला चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी। दोनों चीज़ आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये साथ ही मैं इस पर ज़्यादा सी जो है मोज़रेला चीज़ जो है वो स्प्रेड कर दूँगी। ये होता है कि जब हम ये रेडी हो जाता है पिज़्ज़ा, तो जब हम इसको काटते हैं तो बहुत अच्छे से इसके जो है ना वो ऐसे वेब से बनते हैं इसके, तो ये मैंने इस पर कर लिया। साथ ही मैंने जो है ट्रायंगल शेप में जो है अपना एक और जो है वो पिज़्ज़ा बना लिया था, इस पर मैंने फॉइल इसलिए लगाई है कि मेरी जो ये पिज़्ज़ा ट्रे थी इस पर थोड़े से निशान बने हुए हैं, तो उसकी वजह से ये था कि पिज़्ज़ा नीचे से बर्न ना कर जाए, इसलिए मैंने फॉइल लगा ली। तो आपको फॉइल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर भी मैं सेम ऐसे ही ये सारी वेजेस स्प्रेड कर दूँगी। पहले रेड चिली सॉस लगाई है, ऊपर मैंने इस पर वेजेस लगा दिए हैं, और साथ ही इस पर जो चिकन टिक्का है वो ऐड किया है, साथ ही इस पर चीज़ जो है मोज़रेला चीज़ वो मैं इस पर स्प्रेड कर दूँगी। पिज़्ज़ा की जो डो के ऊपर टॉपिंग की है, साथ ही मैं हल्के हाथ के साथ उसको ऊपर से प्रेस करूँगी, ज़्यादा आपने नहीं करना। प्रेस इसलिए किया है कि ये सारे जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इस पिज़्ज़ा को जो मैंने ओवन में बनाना है, ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 230 डिग्री पे, और जो है 6 मिनट के लिए मैंने प्री हीट किया है। जब तक हमारी ये डो की टॉपिंग रेडी होती है तब तक हमारा जो ओवन है वो भी प्री हीट हो जाएगा। साथ ही मैंने जो है वो एग की जो वाइट है उसकी मैंने कोटिंग की थी। आप देखेंगे मोस्टली जो है जो योक होती है उसकी कोटिंग करते हैं, जिससे पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल ब्राउन सी उसमें लुक में आ जाता है। तो ये मैं पिज़्ज़ा जो है इसको जो है 230 डिग्री पे जो है 6 मिनट के लिए बेक करूँगी, और जैसे ही आपकी चीज़ जो है वो मेल्ट होने लगेगी तो समझे कि आपका पिज़्ज़ा हो गया रेडी। और 6 मिनट में ये बेक हो गया था, बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा रेडी हुआ था।
इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।